हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाऊंगी खस्ता और टेस्टी शक्करपारे। शक्करपारे स्नैक्स और मीठे दोनों तरह खाने में बेस्ट हैं। वही हर त्यौहार में इसे बनाया जाता है, दिवाली और होली पर। यह हर घर में बनते हैं। कभी कभी हल्का फुल्का खाने का मन करता है, ऐसे ही समय के लिए शक्करपारे हैं जो खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान है। आप ज़रूर बनाकर देखें। शक्करपारे बनाने की विधि: 300 ग्राम मैदा है, 150 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम देसी घी है और इसके साथ ही दो इलायचियाँ जो मैं चाशनी में डालूँगी। देसी घी को थोड़ा पिघला लेना और 100 ग्राम के करीब देसी घी डाल लेना है। वापस में देसी घी अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है इसके अंदर, इसकी पहचान है। इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, थोड़ी सी कसर और है, हम और डालेंगे देसी घी। अच्छे से मुट्ठी बन जाए मैदे की, ऐसे हम अब इसको हल्का सा पानी डाल के या दूध डाल के इसको गूंद लेंगे। मैंने पानी लिया है, मैं पानी से गूंदूंगी। अब ये अच्छे से गूंद चुका है, ना सख्त है ना नरम है। अब ये हमने गूंद लिया है, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। रेस्ट में रख लिए इसको मैं ढक दूँगी। इसको हो गया है 5 मिनट रखे को, अब मैं इसको और भून लूँगी। हमारा आटा एकदम से तैयार हो चुका है। डो को ऐसे करके एक चपाती बना लेनी है। चाकू के सहारे अब मैंने कढ़ाई रख दी है। ऐसे करके हमने सारे जो हमने आटा गूंदा है, जो मैदा गूंदा है, उसको हमने सब काट के स्क्वायर पीस में काट के रख लेने हैं एक प्लेट में। तेल डालना है, देखो आधी कढ़ाई तेल हमने डाल लेना है। जैसे तेल गर्म हो, तेल अच्छे से गर्म हो गया हुआ है, हमारे तल चुके हैं, सुनहरे हो चुके हैं। अब इसे करके मैं
निकाल लूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी। ये टिश्यू पेपर लगा दिया है जिससे कि एक्स्ट्रा जो तेल है वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा। अब मैंने तल के रख लिए, अब मैं चाशनी की तैयारी करूँगी। मैंने चीनी डाल दी है और कुछ मिली पानी डालना है और इसके अंदर डाल देनी है पीसी हुई छोटी इलायची के दाने। चीनी में पानी डालिए, लगातार चलाते रहें, उबलने दीजिए। जब चीनी अच्छे से उबल जाए आप अपनी उंगली और अंगूठे के बीच बने ऐसे देखो, जब तक एक तार भी एक तार नहीं बनी है। चीनी में पानी डालिए, लगातार चलाते रहें, उबलने दीजिए। जब चीनी अच्छे से उबल जाए आप अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में एक बूंद चीनी वाला पानी लें और दोनों उंगली और उंगली को अलग करें। अगर एक तार जैसा चाशनी बने तो आपकी चाशनी तैयार है, अभी नहीं बनी। एक तार चाशनी बन चुकी है, इसके अंदर हम ये शक्कर ये जो पारे बनाए हैं इसके अंदर ऐसे अच्छे से, अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और हमारे शक्कर पारे तैयार हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी। अगली बार फिर से मैं आप नई वीडियो के साथ आऊँगी।